आषाढ़ मास के अंतिम सोमवारी पर हजारों कांवड़ियों ने उत्तरवाहिनी गंगा से भर जल देवघर हुए रवाना। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से अखाड़ के अंतिम सोमवार को हजारों शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। साथ ही हजारों की संख्या में कांवड़िया अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा एवं बस यात्रा से रवाना हुए। अजगैबीनाथ धाम बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो गया। पूरा शहर केसरिया रंग में रंग दिया गया। दो दिन बाद श्रावणी मेला प्रारंभ होना है, इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा गंगा घाट की बैरिकेडिंग की व्यवस्था एवं जहाज घाट में श्रावणी मेला उद्घाटन की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं स्थानीय पंडित कृष्णा झा ने बताया कि अखाड़ का अंतिम सोमवारी का विशेष महत्व है। आज के दिन खासकर बिहार एवं झारखंड में अखाड़ी काली की पूजा होती है। इनको लेकर अजगैबीनाथ धाम में उत्तरवाहिनी गंगा का विशेष महत्व होने के कारण खासकर बिहार झारखंड के कांवड़िया अजगैबीनाथ धाम में पूजा करने पहुंचते हैं। दो दिन बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला प्रारंभ होना है। इस बार कांवड़ियों का जनसैलाब उम्र बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। नवगछिया के जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी का रौद्र रूप अभी भी बरकरार, सरकार का रवैया अभी भी उदासीन। नवगछिया के जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी नदी का रौद्र रूप पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। कोसी अपनी गोद में लगातार पक्के मकान को समा रही है। आज भी कोसी की गोद में तीन घर समा गए। वहीं सरकार की ओर से चल रहे कटाव निरोधी कार्य ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। विभाग के द्वारा हाथी पांव बनाकर उसमें रेत के बोले डालकर उसे कटाव स्थल के पास गिराया जाता है, जिससे कटाव रुके लेकिन वो भी कोसी नदी में समा जा रहा है और लगातार लोगों के पक्के घर कोसी की गोद में समा रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा मदद नहीं मिलने से कटाव पीड़ित बेहद दुखी हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, गंगा के तेज धार से कटाव जारी, प्रशासन उदासीन। विधायक ने बाढ़ राहत कार्य और कटाव से त्रस्त लोगों का लिया जायजा। ग्रामीण ने कहा, हमें बाढ़ से नहीं कटाव से डर लगता है। भागलपुर में गंगा में जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। भागलपुर के गंगा नदी से सटे कई गांव कटाव से परेशान हैं। कई गांव के दर्जनों घर जलमग्न होने लगे, लोगों को खाने पर आफत हो गई, कई परिवार छतविहीन हो गए। जानवरों को चारा खिलाने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ रहा है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद प्रशासन मौन बैठा है। पता नहीं वो कैसे विध्वंस प्रलय का इंतजार कर रही है। कटाव का संकट गहराता जा रहा है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, जिससे नदियों में तेज धारा होने से कटाव भी तेजी से हो रहा है। लोग डरे और सहमे हैं। उसी बाबत आज भागलपुर विधायक से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा नवगछिया के इस्माइलपुर बिंद टोली के अलावा कई कटाव स्थल पर निरीक्षण करने गए। बाढ़ निरोधी कार्य एवं कटाव से त्रस्त लोगों का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द मैं प्रशासन से बात करूंगा और आप लोगों के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने वर्तमान सरकार को कोसते हुए काफी खरी खोटी सुनाई। उनका कहना है कि इस विपदा की घड़ी में अगर सरकार बेघर व लाचार लोगों के साथ नहीं होगी तो कैसे इन लोगों की मदद होगी। वहीं उन्होंने कहा कि मैं जल्द जिलाधिकारी से बात करके आप लोगों को उचित व्यवस्था करवाता हूं। गांव के लोग बेघर हैं और वो बांध पर बसे हैं। उनको जमीन मुहैया कराने के लिए भी विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों में नेताओं और प्रशासन को लेकर काफी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों को देखने अभी तक कोई विधायक सांसद नहीं आए, ना ही प्रशासन की कोई पहल की गई। जब चुनाव का समय आता है तब नेता हमारे क्षेत्र में आते हैं और वोट लेने के लिए कई बड़े बड़े वायदे कर बड़े बड़े सपने दिखा कर जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद फिर कभी दर्शन भी देने नहीं आते। हम लोग इतनी परेशानी को झेल रहे हैं, फिर भी हमारे सांसद और विधायक हम लोगों से मिलने तक नहीं आए। राजनेताओं के प्रति गांव वालों में काफी आक्रोश देखा गया। इस खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता निभाष मोदी ने। जीर्णोद्धार के बाद जो रहा खगड़ा का आयुर्वेद अस्पताल, जायजा लेने पहुंचे भागलपुर विधायक अजीत शर्मा। एक तरफ जहां केंद्र सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई शहरों में नए नए आयुर्वेद संस्थान खोलने की बात कर रही है, वहीं भागलपुर के नवगछिया खगड़ा में काफी पुराना आयुर्वेद स्वास्थ्य अस्पताल जीर्णोद्धार की बात चल रहा है। बताते चले कि आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र काफी पुराना है। खगड़ा गांव बहुत बड़ा गांव है। गांव वाले चाहते हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र फिर से चालू हो। इसमें जिस तरह पहले दवाइयां दी जाती थी, मरीजों को देखा जाता था, ये कार्य फिर से प्रारंभ हो। सरकार के लचर व्यवस्था के चलते आज ये अस्पताल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया और कई वर्षों से बंद है।
यहाँ 4 कर्मचारी भी काम करते थे। भवन की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। इस व्यवस्था को फिर से बहाल कराने के लिए आज बिहार विधानमंडल दल के नेता सहभागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने इस खगड़ा के आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया और गांव वालों को आश्वासन दिया कि जल्द इसे चालू करने की पहल की जाएगी। उन्होंने गांव वालों से कहा कि आप लोग मेरे नाम से आवेदन दें, वो आवेदन मैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद है कि जल्द खगड़ा में आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र फिर से बहाल होंगे। हालांकि आश्वासन कई वर्षों से कई नेता आकर दे चुके हैं। गांव वाले भी इसी आस में हैं कि कोई तो मसीहा बनकर आए और अस्पताल का जीर्णोद्धार कराए, लेकिन अभी तक की स्थिति ढाक के 3 पात वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विधायक अजीत शर्मा ने जो वायदे किए वो कहां तक जमीनी स्तर पर उतर पाते हैं। इस खबर का जायजा हमारे संवाददाता निभाष मोदी ने लिया। जिला परिषद अध्यक्ष के विरोध में पंचायत के जनप्रतिनिधियों का अनिश्चितकालीन धरना। शाहकुंड प्रखंड के जनप्रतिनिधि जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह द्वारा कमीशन मांगे जाने के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर प्रखंड के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। वहीं शाहकुंड प्रखंड कार्यालय के समक्ष पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष के विरोध में जमकर विरोधी नारेबाजी किया। इस दौरान धरना पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह उर्फ अनंत शाह पर सभी योजनाओं में 2% कमीशन मांगे जाने का आरोप लगाते हुए जनता के विकास कार्यों पर जांच के नाम पर नाहक परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया। जबकि प्रखंड प्रमुख ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह सरकारी पहाड़ को तोड़कर जहां अपना महल बना लिया, वहीं सभी योजनाओं में 2% कमीशन की मांग कर विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने में जुट गए हैं, जिसको लेकर शाहकुंड प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधि कमीशन खोरी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। अखिलेश हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 महीनों में एक भी अपराधी को नहीं कर पाई गिरफ्तार। हत्याकांड का आरोपी है मुखिया व सरपंच। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर के समीप 16 मई को भवानीपुर निवासी नरेश दास के 9 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार को ईंट से कुचलकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। घटना के करीब 4 दिन बाद मृतक की मां मंजुला देवी द्वारा जगदीशपुर थाना में आवेदन देकर भवानीपुर देशरी पंचायत के पूर्व मुखिया अशोक साह, वर्तमान सरपंच बिहारी यादव, फतेहपुर गांव निवासी जयराम मंडल, भवानीपुर निवासी डिजिटल ताती महेंद्र दास, चंपा देवी समेत 1 दर्जन अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई थी। आवेदन में मृतक के मां ने बताई है कि षड्यंत्र के तहत मेरे पुत्र को गांव के ही लोगों ने मुंह में लकड़ी ठूस कर वो ईंट से कुचलकर उसे जख्मी हालत में बगीचे के पश्चिम छोर पर एक गड्ढे में फेंक दिया था, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि यह पूरा मामला 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई में एक भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुई है, जिसको लेकर परिवार वाले डरे सहमे हैं। थाना क्षेत्र में हुए अखिलेश हत्याकांड मामले में CDSP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तारी वारंट जारी कर दी गई है। जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे और विधि संबंध कार्रवाई की जाएगी। अजगैबीनाथ धाम के कच्ची कांवरिया पथ में कांवरियों को चलने में हो रही काफी परेशानी। अजगैबीनाथ धाम के कच्ची कांवरिया पथ का हाल बेहाल है। कांवरियों को कच्ची पथ पर चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ जाने वाले कच्ची पथ की। बिहार सरकार के निर्देश पर कच्ची कांवरिया पथ में इस बार गंगा का सफेद बालू बिछाया गया। श्रावणी मेला के उद्घाटन में महज 2 दिन शेष बचे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर कच्ची कांवरिया पथ में युद्ध स्तर से कार्य किए गए हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा कच्ची कांवरिया पथ में गंगा का सफेद बालू बिछाया गया, लेकिन रोलिंग एवं पानी से पिचिंग नहीं करने से बाहर से आने वाले कांवरिया को काफी परेशानी हो रही है। वहीं कांवरियों ने बताया कि कच्ची कांवरिया पथ में गंगा का सफेद बालू बिछाया गया है, जो रोलिंग एवं पिचिंग नहीं होने पर चलने में पैर का दबाव होता है, चलने में बल का प्रयोग अधिक लगता है, धूप में बालू गर्म होने पर चल नहीं पा रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग किए कि कम से कम कच्ची कांवरिया पथ में पानी का छिड़काव कर पिचिंग किया जाए, जिससे हम लोगों को चलने में काफी सहूलियत होगी।
शाहकुंड में कोरोना ने दी चौथी दस्तक। विद्यालय के एक साथ 5 छात्रा हुए कोरोना संक्रमित, मचा हरकंप। भागलपुर शाहकुंड के सुख सरोवर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कोरोना ने चौथी दस्तक दे दी है, जहां शाहकुंड के स्थानीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक साथ 5 छात्रा कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सभी कोरोना से संक्रमित बच्चों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं शाहकुंड में कोरोना संक्रमित को लेकर विद्यालय सहित क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। शाहकुंड के चिकित्सा पदाधिकारी जयप्रकाश ने कहा कि सभी संक्रमित बच्चों को दवा के साथ होम क्वारंटाइन किया गया है, साथ ही विद्यालय के अन्य 67 बच्चों को भी जांच किया गया, लेकिन इसके अलावा सभी बच्चे कोरोना से सुरक्षित पाए गए हैं। वहीं विद्यालय में समुचित व्यवस्था एवं कर्मचारी का जांच नहीं होने से सभी लोग भयभीत हैं।